जिले के नक्सल प्रभावित बेलर प्रखंड की 18 पंचायतों के 227 मतदान केंद्रों पर 10वें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। बेलर प्रखंड की 18 पंचायतों तथा 2 जिला परिषद के लिए कुल 1948 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम एवं बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। बेलर प्रखंड में बांका जिला के 10वां और अंतिम चरण में 67.285% मतदान हुआ। इस चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। मतदाता पड़रिया देवी और विजय कुमार पंडित ने कहा कि जो पंचायत में विकास के लिए अच्छे कार्य करेंगे तथा विकास निस्वार्थ होकर करेंगे, उन्हीं को हमने मतदान किया है। बेलर नक्सल प्रभावित होने के कारण 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ही मतदान हुआ। बेलर प्रखंड में महिलाओं ने 72.65% तथा पुरुषों ने 61.92% मतदान किया है। महिलाओं का बढ़ चढ़ कर मतदान करना पंचायत में एक बड़ी परिवर्तन का प्रतीक माना जा रहा है। निजीकरण को लेकर सभी सरकारी बैंक कर्मियों ने एक स्वर में सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हाय रे सरकार क्या करने जा रही है अब केंद्र सरकार। इस मुद्दा को मजबूती के साथ उठाते हुए सभी बैंक कर्मियों ने कहा कि केंद्र सरकार हम लोग के पेट में लात मारने की काम कर रही है। इसकी योजना के तहत सभी बैंकों को प्राइवेट यानी निजीकरण करने जा रही है। इसी को लेकर बैंक एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य सुनील कुमार के नेतृत्व में 16 एवं 17 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाएंगे, साथ ही केंद्र सरकार की रणनीति को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर सरकार क्या चाह रही है, आखिर बैंक को निजीकरण क्यों कर रही है, ये तमाम सवालों पर इस सभी बातों को लेकर बैंक कर्मी ने केंद्र सरकार की मुर्दाबाद एवं निजीकरण को लेकर विरोध करते हुए आवाज उठाई, साथ में प्रदर्शन भी किया। मौके पर बांका बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार चौधरी के साथ साथ कई बैंक कर्मी मौजूद थे। बांका जिले के बांका प्रखंड के ग्राम पंचायत लोदम के नवनिर्वाचित मुखिया शिवनारायण यादव ने कहा कि मेरा शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति खराब रहने के बावजूद जनता ने जो भार सौंपा है उसे बखूबी निभाते हुए पंचायत के सर्वांगीण विकास करेंगे। आगे क्या कुछ कहा आप खुद ही सुने। शिवनारायण यादव, पंचायत लोदम, आपको जिस विश्वास के साथ जनता जनार्दन लोदम पंचायत के लोगों ने जिताया, तुमको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या पंचायत में नया कीजिएगा? सबसे पहले तो सबको आभारी रखें और पंचायत में होने वाले चीज़ों को जो नहीं होने वाला है उसको भी करके दिखाएंगे। तो क्या लग रहा है पंचायत में जो पानी की समस्या बार बार है आपके पंचायत में, क्या वो जो है सुचारू रूप से चालू हो सकेगा क्या? नहीं, ना सुचारू रूप से चालू हो सकेगा। बांका जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आज 10 चरण का चुनाव एवं बांका जिले की अंतिम चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मैं आपको बता दूं, यह क्षेत्र पूर्ण रूप से नक्सलवादी होने के कारण अंतिम चरण में चुनाव रखी गई थी। हजरत करने की बात यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आदर्श मतदान केंद्र होना सबसे बड़ी बात है। कभी इस क्षेत्र में गोलियों की तरतराहट से मतदान के अंदर गूंज उठती थी, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होने के पूर्व लंबी लंबी कतारें लगने लगे एवं मतदान शुरू होते ही पीपी की आवाज सुनाई देने लगे थे। गांव की सरकार बनाने में जितना ही जनता जनार्दन खुशी और मतदान केंद्र पर जज्बा दिखा रही थी, शायद इससे साफ जाहिर होता है कि गांव में अब बदलाव होने वाली है। 14 दिसंबर का दिन जमुई के लिए खास आ रहे सीएम नीतीश कुमार देंगे 498 करोड़ के मेडिकल कॉलेज की सौगात। 14 दिसंबर 2021 जमुई के लिए सुनहरा दिन साबित होने वाला है। उक्त तिथि को चीर प्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज की आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे। तकरीबन 3.5 वर्षों से जमुई वासियों को इस दिन का इंतजार था। मुख्यमंत्री पटना से शिलान्यास का रिमोट दबाएंगे और यहां निर्माण स्थल पर उनके मंत्री सुमित कुमार सिंह सहित जिले के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। शिलान्यास की तिथि निर्धारित होने की पुष्टि मंत्री सुमित कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि उक्त तिथि को 11:30 बजे मुख्यमंत्री के हाथों में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। जमुई के बेला में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पर फिलहाल 498 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। निर्माण कार्य का जिम्मा गुजरात की कुणाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी को BMSICL की देखरेख में कार्य को अंजाम दिया जाना है। शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते हुए चौकीदार के पुत्र का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और चौकीदार के पुत्र को गिरफ्तार किया। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र का है। सिवाईपट्टी थाने के चौकीदार के पुत्र गोमती नवा दवा की दुकान में बैठकर खुलेआम शराब पी रहा था और हंगामा कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। थाना का चौकीदार पुनदेव राय का पुत्र दिनेश कुमार यादव बताया गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने पर पूछताछ करने के बाद जेल भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बचे। 2020 में किया गया था सौर्य चक्र से सम्मानित।
तमिलनाडु के कुन्नर में बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर हादसे में सीरियस जनरल बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 अफसर शहीद हो गए, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का सैन्य अस्पताल वेलिंगटन में इलाज चल रहा है। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग से सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बच सके, बाकी अन्य 13 लोग की मौत हो गई। देश के लोग उनके सकुशल होने की कामना कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय वायुसेना ने बताया कि सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इस साल के स्वतंत्रता दिवस पर 2020 में एक हवाई आपातकाल के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर हादसे के बाद स्थानीय लोग सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर सवार लोगों को बचाने के प्रयास में पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि विमान पेड़ से टकराया था। आग लगने से पहले 3 लोग हेलीकॉप्टर से कूदे थे। हादसे में एक चश्मदीद कृष्ण स्वामी ने बताया कि मैंने पहली बार एक तेज आवाज सुनी। जब मैं यह देखने के लिए बाहर आया कि आखिर हुआ क्या था, तो मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर एक पेड़ से टकरा गया था। एक बहुत बड़ा आग का गोला था और फिर यह दूसरे पेड़ से टकरा गया। मैंने 2-3 लोगों को हेलीकॉप्टर से कूदते हुए देखा। वे पूरी तरह जल गए थे और हेलीकॉप्टर से गिरने लगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने इलाके के लोगों को बुलाया और हेलीकॉप्टर हादसे में घायल लोगों की मदद करने की कोशिश की, हमने कंबलों और पानी से विमान में आग बुझाने की कोशिश की। घायलों को स्ट्रक्चर से सड़क तक ले जा रहे थे। इसके बाद दमकल विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया गया। वैक्सीनेशन में वो फर्जीवाड़ा यूपी सीएम, झारखंड सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को लगाया कोविड का टीका। स्वास्थ्य विभाग के किरकिरी होने से पहले सिविल सर्जन ने दिया सफाई, कहा यूजर आईडी और पासवर्ड को कर लिया गया था हैक। गया जिले के टिकारी प्रखंड के अलीपुर प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का टीकाकरण कर देने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी होने से पहले सिविल सर्जन डॉक्टर कमल किशोर राय ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि अलीपुर उपस्वास्थ्य मूसा कुमार के कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल का यूजर आईडी को हैक कर किसी साइबर अपराधियों के द्वारा VIP का टीकाकरण आज के डेट में कर दिया गया है। वहीं इसे पहले पोर्टल में छेड़छाड़ कर बैंक डेट में पहला डोज भी पूरा कर दिया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि यह खुलासा तब हुआ जब हायर वेरीफायर के मोबाइल फोन पर इन VIP का वैक्सीनेशन पूरा किए जाने का मैसेज आया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और विभाग हरकत में आई और आनंद फानन में राज स्वास्थ्य समिति के अधिकारी व जिलाधिकारी शेख सिंह को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद जिले के सभी 24 प्रखंडों के यूजर आईडी को तत्काल बंद कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस मोबाइल नंबर से हैक किया गया था वह जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का बताया जा रहा है, जिसका नाम कैफेल यासिन और नासिन नामक युवक का नाम सामने आया है। वहीं इस मामले पर DM अभिषेक सिंह ने सिविल सर्जन को टिकारी थाना में अज्ञात अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है और कहा कि साइबर अपराधियों ने स्वास्थ्य विभाग की छवि को खराब करने की कोशिश की है। मामला ये है कि करीब 1:30 बजे हमारे कार्यालय में हमारे जिला स्वास्थ्य प्रबंधक श्री नीलेश कुमार और हमारे डिस्ट्रिक्ट मूल्यांकन पदाधिकारी अखिलेश जी के द्वारा ये सूचना दी गई कि सर टेकारी में फेक आईडी से कुछ VIP लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया गया है। जब मामला के बारे में इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जब ये लोग टेकारी बात किए तो वहाँ के जो स्वास्थ्य प्रबंधक थे उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट वेरीफायर है उसका नाम है रविराज, उसने वहाँ के BHM को बताया कि हम जब वैक्सीनेशन कर रहे थे और उसको वेरीफाई करके एंट्री कर रहे थे, उसी समय से हमारे मोबाइल पर बहुत तेज़ी से 4-5 नाम आए जिनका कि वैक्सीनेशन किया गया मेरे आईडी से। लेकिन चूंकि हम तो आईडी से किसी का कर नहीं रहे हैं, जिसमें से कि उस आईडी पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ माननीय और बढ़िया राजनीतिक लोगों का नाम उसमें है, साधारण आदमी का नाम नहीं है, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का नाम है, CM योगी आदित्यनाथ यूपी का नाम है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का नाम है। जैसे ये सूचना हमको मिली और हमारे DPM साहब और हमारे MNE साहब जो है इसको तुरंत हमारे राज्य स्वास्थ्य समिति में सूचना दिए, हमारे ED जो हैं उनको भी सूचना मिल गई। उन लोगों की तरफ से हुआ कि पहले जिलाधिकारी को सूचना दिया जाए, मैंने तुरंत जिलाधिकारी को सूचना दी। जिलाधिकारी का आदेश हुआ कि सबसे पहले वहाँ पर एक
अज्ञात के विरुद्ध तब तक उनको केस दर्ज कर दिया जाए एक प्राथमिकी। तो मैंने तुरंत वहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बोल के प्राथमिकी दर्ज करवा दी। उसके बाद हुआ कि कम से कम इसकी सूचना जो है हम लोग मीडिया में डाल दें कि सब लोग सचेत हो जाएं, और जो लोग करने वाले शरारती तत्व तो हैं उन पर भी कुछ नखेल लगे। उसका मैंने सोचा कि जो प्रेस रिलीज हम देंगे तो क्यों नहीं आप लोग जो हमारे मीडिया बंधु लोग हैं उनको बुला के प्रिंट मीडिया और जो आप लोग का विजुअल मीडिया है उसके थ्रू हम इसको ये खबर दे दें कि इस तरह का शरारती तत्व तो आए हैं हमारे गया जिला में। जो फर्स्ट डोज हम लोग नीचे थे, अभी हम लोग तीसरे पोजिशन पर हैं। तो ये कुछ शरारती तत्वों का काम है जो कि इस तरह की छवि को आपके द्वारा कार्यक्रम आज गोड्डा के पांडुव थान एवं कोड़िया घाट के सोनडीहा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक प्रदीप यादव, गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव, उप विकास आयुक्त चंदन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिसमें विभिन्न समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। तारापुर में फतह के बाद पहली बार मुंगेर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, 6 दशक पुराना सपना होगा साकार। तारापुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार मुंगेर पहुंचे। सीएम सबसे पहले सकरामपुर पहुंचे, वहां उन्होंने लोगों के 6 दशक पुराने सपने को जल्द साकार करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सकरामपुर प्रखंड के कटियारी पंचायत के झरना गाँव के समीप महानवीर सिंचाई परियोजना से बुधवार को रूबरू हुए, जलाशय योजना का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जिला से योजना को जीर्णोद्धार करने की बात कही। योजना चालू होने के बाद सकरामपुर प्रखंड के अलावा टेटिया बंबर प्रखंड के दर्जनों गांव के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा। जमुई में देश का 44% सोना चींटियों ने पहली बार किया था खजाने का खुलासा, रातों रात अमीर हो गए थे ग्रामीण। जमुई के सोनमटिया नाम से फेमस हो रहे करमटिया में 8 किलोमीटर के दायरे में सोने का विशाल भंडार है। ग्रामीण बताते हैं कि यहां पहली बार चींटियों ने खजाने का पता लगाया था, रातों रात यहाँ के लोग अमीर बन गए थे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जिन इलाके में नक्सलियों की बंदूकें बारूद उगलती थी, अब वहाँ की धरती सोना उगलेगी। यह दीगर बात है कि लाल गलियारे में अकूत स्वर्ण भंडार की सच्चाई स्वीकारने में सरकार को 40 साल लग गए। संसद में पहली बार सरकार ने भी माना कि जमुई में अकूत स्वर्ण भंडार है और देश का 44% सोना सोनो प्रखंड अंतर्गत करमटिया गांव में है। बात तो स्थानीय स्तर पर करमटिया को अब सोनमटिया कहा जाने लगा। यहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का सरकार को अनुमान है। आखिरी बार बीते साल अप्रैल माह में JSI की टीम ने जमीन की ऊपरी सतह का नमूना संग्रह किया था। इसके पहले 2010-11 में भू छेदन कर जमुई की धरती के गर्भ में छिपे स्वर्ण भंडार की मात्रा की जाँच के लिए सैंपल इकट्ठा किया गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जमुई में देश का 44% सोन भंडार है। सबसे पहले 1982 से लेकर 1986 तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर जेएसआई की टीम द्वारा यहां खुदाई की जाती रही, लेकिन तब खर्च के अनुपात में स्वर्ण धातु की उपलब्धता नहीं होने की बात कही गई थी। सीएम नीतीश के एमएलए गोपाल मंडल अचानक बन गए हनुमान, खूब मचाया धमाल। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागवत कथा सुनने पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के साथ जमकर खूब ठुमके लगाए। गोपाल मंडल सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, उनकी पत्नी पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। तेजस्वी यादव की सगाई, बचपन की दोस्त राजश्री से करेंगे शादी, जानिए कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात। तेजस्वी यादव की शादी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वे अपनी स्कूल की दोस्त के साथ सात फेरे लेने वाले हैं। तेजस्वी यादव और उनकी होने वाली दुल्हन बचपन के दोस्त हैं और दोनों दिल्ली में DPS में पढ़ते थे। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी तय हो गई है। अपनी स्कूल की दोस्त राजश्री के साथ शादी करने जा रहे हैं। सगाई को लेकर दिल्ली में गुपचुप तरीके से तैयारी भी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव रिंग सेरेमनी के तुरंत बाद कल ही विवाह भी कर सकते हैं। लालू परिवार के करीबी सूत्र ने बताया कि एक फॉर्म हाउस में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई, सेरेमनी के तुरंत बाद विवाह की भी तैयारी कर ली गई है।